हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन की है। इस वीडियो के एंड में हम यहां से जुड़ी सच्ची घटनाओं के बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। और कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहित है, मैं नोएडा में जॉब करता था। मेरे ऑफिस की कैब मुझे घर से पिक करती और रात के 8:30 से 9 बजे के बीच मुझे वहीं ड्रॉप भी कर दिया करती थी। ऑफिस से घर के रास्ते में द्वारका सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन भी पड़ता था। कई बार वहां से मैं मेट्रो लेकर भी जा चुका था, लेकिन तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मेट्रो स्टेशन के साथ मेरा इतना डरावना एक्सपीरियंस होगा। ऑफिस से घर आते हुए भी कैब के रास्ते में ये मेट्रो स्टेशन पड़ता था। उस टाइम भी हमारे साथ बहुत सी अजीब सी घटनाएं होती थी, पर मैं उन्हें किसी न किसी तरीके से किसी सिंपल चीज़ से जोड़ दिया करता था। जैसे उस मेट्रो स्टेशन के पास आते ही हमारी कैब का रुक जाना। मुझे लगता था कि कैब ड्राइवर कभी कभी हमारे साथ मजाक करता है या हमें डराने की कोशिश करता है, और जब कैब स्टार्ट हो जाए तो हमारी विंडो पर खटखटाने की आवाज़ आती थी। लेकिन मुझे लगता था कि टायर के नीचे कोई छोटा पत्थर आ जाने से वो उड़कर विंडो पर लगता होगा, जिससे वो खटखटाने की आवाज़ सी महसूस होती थी। ऐसा नहीं था कि मैं उन लोगों का मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन उस टाइम मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं होता था। लेकिन उस टाइम जब कैब रुक जाया करती थी तो किसी की भी उस कैब से उतरने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन की बात है, ऑफिस की छुट्टी थी, मैं घर पर बैठा बोर हो रहा था, तो मैंने अपने दोस्तों से शाम को लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहा। मेरे दोस्त बचपन से ही मेरे साथ थे, तो वो आस पड़ोस ही में ही रहते थे। वो थोड़ी ही देर में मेरे घर पर आ गए। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और हम अपनी फेवरेट जगह जाने लगे। कुछ ही दूरी पर वही मेट्रो स्टेशन पड़ा। हम वहाँ से निकले और हमने अपने फेवरेट प्लेस पर जाकर खाना खाया और वहाँ से लॉन्ग ड्राइव के लिए और आगे को निकल गए। रात के लगभग 9:30-10 बज गए थे और घर भी जाना था। घर पहुँचने में हमें 2 से 2.5 घंटे लगने वाले थे। हम घर की तरफ चल दिए। पूरे रास्ते सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही हम उस मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचे, हमारी गाड़ी स्लो हो गई। मुझे ये मजाक लगता था, पर आज गाड़ी मैं ही चला रहा था। धीरे धीरे गाड़ी जैसे रुक ही गई। जब तक मुझे ये समझ आता कि क्या हुआ है, तब तक हम चारों दोस्तों ने एक साथ एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाएं। हमने खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक कर लिए कि कहीं कोई ओपन तो नहीं है। तभी मैंने देखा कि सामने एक पेड़ पर कोई बैठा है, जिसके पैर नीचे लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर तो मेरा एक दोस्त बोलने लगा, गाड़ी चला, गाड़ी चला, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं कोशिश कर रहा था, तभी हमने देखा कि वो जो भी चीज़ थी वो एक औरत थी। वो जैसे हवा में तैरती हुई सी उस पेड़ से उतर कर नीचे आई। उसके हाथ में एक बच्चा था। उस औरत के शरीर से खून बह रहा था और वो जो बच्चा उसकी गोद में था वो उस खून को पी रहा था, जोरों से रो रहा था। उसका रोना सुनकर तो हमारे कानों में से जैसे दर्द के मारे खून ही निकल जाए। वो औरत इधर उधर घूम रही थी, जैसे कि वो किसी चीज़ को ढूंढ रही हो, या पता नहीं किसी का इंतज़ार कर रही हो, या उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। हमने अपनी गाड़ी की सारी लाइट्स बंद कर दी, ताकि अंधेरे में हमारी गाड़ी बिल्कुल दिखाई ना दे, और हमने कोई आवाज़ भी नहीं की। तभी हमारे देखते ही देखते वो बच्चा जैसे किसी 5 से 6 साल के बच्चे में बदल गया। उस औरत की गोद से वो बच्चा अचानक नीचे उतरा। वो बिल्कुल विकृत था, उसके हाथ पैर मुंह सब मुड़े हुए थे। जैसे ही वो बच्चा नीचे उतरा तो शायद मेरे एक दोस्त के मुंह से चीख निकल गई। अब उस बच्चे ने गाड़ी की तरफ देखा, वो बच्चा दौड़ता हुआ हमारी गाड़ी की तरफ आया
और तभी न जाने कैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने तेज़ी से गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाया। हमारी गाड़ी शायद उस बच्चे को हिट कर गई थी, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मेरे दोस्तों ने पीछे की तरफ देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बस हम गाड़ी चला रहे थे, लेकिन तभी मेरे साइड वाले मिरर पर मैंने देखा कि वो औरत बिल्कुल मेरे साथ ही उड़ती चली आ रही है, जैसे कि उसकी स्पीड हमारी गाड़ी से मैच कर रही थी। मैंने गाड़ी को और तेज़ किया। जैसे तैसे हम घर पहुँचे। गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखा कि गाड़ी से क्या टकराया। अगर कोई इंसान या जानवर हमारी गाड़ी से टकराया होता तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर दिखता। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तब भी वहाँ कोई नहीं था। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस रास्ते से देर रात को नहीं आता। मुझे उस रात की कहानी आज भी पूरी तरीके से याद है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन की बात करें तो उसके पास ही बाहर निकलते ही एक पेड़ है, जिसके पास कहते हैं कि शायद एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था या फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। कई बार लोगों ने उसे वहाँ देखा है। वो गाड़ियों का पीछा करती है और साथ ही जो ऑफिस की कैब्स रात को लेट वहाँ से आती हैं उनकी गाड़ी के शीशों पर खटखटाने की आवाज़ें भी आती हैं। उस एरिया में रात को कोई भी अकेले नहीं जाता है और शायद यही वजह है उस जगह के सबसे हॉन्टेड होने की। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और हमारी कहानियाँ सुनें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, बाय।